हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर बीएड छात्रों को यहां पे एक बड़ी जीत देखने के लिए मिली है, जहां पर बीएड को प्राथमिक में शामिल करने संबंधित ऑर्डर कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। साथ ही साथ प्राथमिक भर्ती में बीएड छात्रों को आवेदन करने का मौका भी दिया गया है। डिटेल में इस वीडियो पर बात की जाएगी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से दिए गए ऑर्डर के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन नड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। काफ़ी लंबे समय के बाद बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले फेस्टिवल चल रहे थे जिसके चलते कोर्ट बंद थी, लेकिन बीएड वर्सेस बीटीसी के जो मामले हैं वो अभी भी कोर्ट में लंबित थे। अब इसी को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बार फिर से सुनवाई देखने के लिए मिलती है, और वहाँ पर सुनवाई के बाद में क्या होता है वो आप सभी को डिटेल में बता दूँ कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने संबंधित जो याचिका कोर्ट में लगी होती है उस पर कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया जाता है, और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उसको प्राथमिक में शामिल करते हुए याचिका को खारिज भी कर दिया गया है। इसकी जानकारी आप सभी को आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए तो जो बात की जाती है जेबीटी को लेकर, जेबीटी एक तरीके का डीएलएड होता है, जैसे कि आप कहते हैं ना डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके समकक्ष कोई कोर्स अगर है तो वो जेबीटी है, ईटीटी है, ये यहाँ पर बीएसटीसी है, बीटीसी है, ये सभी एक ही कोर्स के नाम हैं। लिखा हुआ है कि बीएड डिग्री धारकों को राहत, जेबीटी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब ये जो आवेदन करने की याचिका की बात की जाए इसको ध्यान से समझिए, बीएड डिग्री धारकों को राहत, जेबीटी यानी कि प्राथमिक पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार की पुनर्विचार याचिका रद्द कर दी है। मुद्दा क्या है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी 24 नवंबर को, और इस मामले पर सुनवाई के तहत उन्होंने क्या कहा था मैंने उस वीडियो में आपको छोटी सी जानकारी दी थी, लेकिन अभी समाचार पत्रों में आप सभी के सामने है। प्रदेश के हाईकोर्ट से बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दे दी गई है। कोर्ट ने जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि उस याचिका को रद्द कर दिया है। नीचे लिखा हुआ है कि इस याचिका के खारिज हो जाने से प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी पदों के लिए चयनित होने का अवसर प्रदान हो जाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएड धारकों को पक्ष रखने का फैसला सुनाया था, जिसे पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी। जेबीटी बेरोजगार संघ के द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने खुद के फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया, और 26 नवंबर को 2021 हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामले फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती के लिए एनसीटीई के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों को शिक्षा विभाग के साथ अधीनस्थ कर्मचारी आयोग पर भी लागू होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डिसीजन दिया जाता है, जिसमें वो 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर देते हैं। आगे बढ़िए, कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को यह आदेश दिए थे, वह 28 जून 2018 की एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों पर भर्ती के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन करे। इन आदेशों के खिलाफ जेबीटी बेरोजगार संघ ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और कहा कि उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राजस्थान राज्य से जुड़े एक ऐसे ही मामले पर एनसीटीई की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी में पात्र बनाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही सभी राज्यों में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया गया था। लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से उसी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। आगे क्या होता है नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे में कोर्ट के द्वारा अपने फैसले में कोई त्रुटि न पाते हुए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले से एक बार फिर से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए हैं,
उल्लेखनीय है कि बीएड डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें भी जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि वो बीएड डिग्री धारक होने के साथ साथ टीईटी भी उत्तीर्ण है और एनसीटीई के नियम के तहत जेबीटी शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। ज्ञात रहे कि एनसीटीई के नियम के तहत बीएड डिग्री धारक जेबीटी पदों के लिए भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाए गए हैं। उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात 6 महीने का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा। और ये हो जाती है पूरे के पूरे मुद्दे की बात। अब यहाँ पे आप सभी को दो बातें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। अब यहाँ जो पहले से बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए काम की बात भी है, क्योंकि आपको जानना होगा कि ये मामला 2021 से चल रहा था। 2021 से जब ये मामला चल रहा था, जहाँ पर जो बीएड की शिक्षक भर्ती चल रही थी उनको नौकरी दी गई थी, लेकिन उस समय बीएड की नियुक्ति को चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश थी उसके माध्यम से कहा गया कि एनसीटीई के उस नियम को ध्यान में रखा जाए जिसके आधार पर बीएड को उन्होंने सम्मिलित किया है। लेकिन अब क्या होता है कि अब हाल ही में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देती है कि भाई बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती से। तो इसी आदेश को लागू करवाने के लिए इनके माध्यम से एक याचिका दाखिल की जाती है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के माध्यम से उस याचिका को खारिज कर दिया जाता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया जो आदेश है उसके आधार पर हम जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे दो बातें आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के माध्यम से राहत दी गई है, और नीचे लिखा हुआ है कि बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब ये जो मामला है वो थोड़ा सा पेचीदा भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो उनकी बात की जाए जिनको पहले से नौकरी मिल चुकी है, उनको तो नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, ये तो पूरे तरीके से साफ हो जाता है। लेकिन दूसरी बात ये होगी कि क्या आने वाली भर्तियों में आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए जेबीटी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, यहाँ पर बात की जा रही है आवेदन करने की, यानी कि नई भर्ती की, क्योंकि पुरानी भर्तियों में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर लागू नहीं होगा, ये बात तो पूरे तरीके से साफ कर दी गई है। लेकिन नई भर्तियों में क्या होगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो सिर्फ राजस्थान के लिए तो है नहीं है, और भी राज्यों के लिए है। लेकिन फिलहाल बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कंसीडर किया गया है। और ये आज की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, और कल इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आप सभी को जानकारी भी दी थी, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा डिटेल वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।